आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वाराणसी के आर्दरी बाजार पार्टी कार्यालय पर बाबा साहब वाहिनी की कमेटी गठित किए जाने पर आज यहाँ पर 35 लोगों को मनोनय पत्र देने का वितरण कार्यक्रम हुआ था। क्या है उद्देश्य इसका? सीधा सा उद्देश्य है, और भाजपा वाले भी या समाज के हमारे जितने बनारस के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, सभी लोग जान रहे कि इस बार हमारे समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से 2022 में आ रही है। और इस पर मैं उनको एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है, बीमारियाँ हैं, और जो शिक्षा वाले शिक्षार्थी ग्रहण के अनुसार जो संविधान लोग चला रहे हैं कि वो कोरोना है, तो लोगों के अंदर जितनी भावनाएं, मतलब बीमारी की जितनी भी भावनाएं हैं, सब ये सब सोचते हुए वो सबको दूर किया जाएगा, बेरोजगारी दूर की जाएगी, लोगों को नौकरी दी जाएगी, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, कन्या के अनुसार जो विद्या धन है, पेंशन है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में दिया जाएगा। और आपकी सरकार रही है, कितनी नौकरियां बांटी है? पूर्व में हमारी जब ये सरकार रही है, यहाँ पर नौकरी वालों से आप जाकर खुद पूछेंगे कितनी नौकरियां बांटी, वो खुद बताएंगे, ये नौजवान ही बताएंगे जो पढ़ते लिखते हैं कि हाँ हमें नौकरी मिली है कि नहीं मिली है। नौकरी देने के बाद थाने से बैरंग वापस किए गए हैं? नहीं नहीं, ये नौकरी जो देने वाले बैरंग थाने से बैरंग वापस किए हैं, भाजपा सरकार में हुआ है, हमारी सरकार में ये नहीं हुआ है कि उनको बैरंग वापस कर दिया गया, हमारी सरकार में ये नहीं हुआ है।